चैनल तो क्या हाल है सबके। तो यार आज हम जा रहे हैं भूली बेटी आ रही, ठीक है। तो तुम्हें दिखना है यहाँ पे जंगल ही जंगल है पूरा। तो अभी तो हम बुड्ढा घर आ रखे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से अभी चलेंगे आगे। अगर वहाँ बैरिकेडिंग नहीं होगी तो भले के अंदर तक अंदर होके आएंगे, दिखाएंगे। बाकी तुम लोग बिल्कुल अच्छा प्यार दिखा रहे, अच्छे अपना प्यार बनाते रहना, और तुम्हारा भाई रोज रोज हर जगह नई जगह जाएगा और तुम्हें नई जगह दिखाएगा। तो लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो यार मलचा महल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ ना कोई जाने की जगह ना कुछ, जो जगह है बिल्कुल बंद कर रखी है। तो बाकी मैं तुम्हें इन सब के बारे में कुछ बताता हूँ। इसमें ये है इस महल का नाम ना, इसकी जो रखवाली थी वो भूली नाम था उसका, उसके ऊपर रखा गया था। और ये महल राजा ने अपनी रानी के लिए समझ बनाया था, क्योंकि उसको ये जगह बहुत पसंद आ गई थी, तो उसके लिए यहाँ बनाया गया था। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो रानी थी उसको चिड़िया कबूतर खा गया, मर गई थी वो, इससे वो खा गए, ठीक है। और बाकी तो यार लोग पता नहीं क्या क्या सुनने को आया, कोई थिएटर था, कोई कुछ था, ठीक है। तो बाकी तो अंदर जाएंगे, अभी मैं रास्ता देख रहा हूँ, मैं कहीं से रास्ता मिलता तो अंदर जाके फिर तुम्हें दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो लेट्स गो। तो इधर ये पीछे चिड़ियाघर की बैक साइड है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो है, हम यहाँ पे देखो रास्ता देखो पीछे, हम इसकी बैक साइड जा रहे हैं, क्योंकि इसका बैक साइड थी, तो यहाँ से हम बैक साइड जा रहे हैं। तो यार दुनिया कहती मत जाया करो, तो तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ। मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाओ यार, ऐसा ना करो कि तुम देख देख के सिर्फ जा रहे हो, ठीक है। और तुम ये देखो रास्ता चेक करो, तुम ये इसकी बैक साइड है, तुम देखो कैसे रास्ता इसका निकल रहा है। इसके साइड में ये तालाब सा बना हुआ है, और इसके यहीं पे एक पार्क भी है। तो हम चलते हैं, और तुम जैसा देख ही रहे हो दीवारें ऐसी कितनी लंबी लंबी हैं, ठीक है। और अभी अंदर जाते हैं, और अंदर देखो अंदर जा सकते हैं तो जाने की जगह हुई तो देखेंगे ज़रूर, क्योंकि भाई राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी इसके अंदर जो बना रखा है। चले, बहुत लोगों ने बोला है कि वही इसका नाम वो भूली इसलिए रखा गया, पर जो रिसर्च करी थी जिन लोगों ने, उन्होंने तो भाई बोला है कि ये भटियारी, जो उसका नाम भटियारी था, वैसे भूली नाम था, तो इसलिए अब दोनों नाम से माना जाता है, भूली भटियारी के नाम से, ठीक है। तो चलो चले। अरे गेट तो बंद पड़ा है, तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि गेट है बंद, तो इसके अंदर का देख लो तुम। अंदर कोशिश करते हैं जाने की। तो हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें बताते हैं यार क्या रानी का क्या था, ठीक है। अंदर दिखाऊंगा अंदर क्या है क्या नहीं। तो अभी तो हम आ चुके हैं, यहाँ के ताला बंद था, तुम्हें दिखाया जैसे मैंने दिखाया था, वो पीछे से रास्ता खुला हुआ था, तो उधर से आया हूँ बहुत मुश्किल से। तो चलते हैं और दिखाता हूँ, ठीक है। तो एंट्रेंस में ये छोटा गेट है, इसमें तो सामान पड़ा है, झाड़ू झूड़ू, कोई सफाई करने आता होगा ना। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है क्रिकेट खेलने के लिए, आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं। और तुम्हें दिखाता हूँ उसके अंदर और क्या क्या है क्या क्या नहीं, तुम सबके लिए क्या क्या करना पड़ा, तुम लोग सपोर्ट करो। ये देखो अंदर कमरा कैसा है इसका, छोटा सा, ठीक है। और तुम्हें दिखाता हूँ और क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ये क्या है, ये शायद यहाँ पे वॉशरूम होगा, वॉशरूम वगैरह इधर, ठीक है। ये दीवार शायद तोड़ रखी है, ठीक है, ये दीवार तुम देख रहे हो टूट रखी है, और ये वॉशरूम, और ये तुम देख लो। देखो अंदर से ऐसा महल दिख रहा है, थोड़ा कुटन सी होती है, कमरा छोटा सा है बिल्कुल। तो तुम्हें और आगे लेके चलते हैं।
तो ये बाहर का तुम्हें दिखाया जैसे, ठीक है, और आगे लेके चलता हूँ। एक तो ये छोटा और कमरा, उसके आगे जाके आगे छोटा और कमरा, ये भी छोटा था बिल्कुल। तुम ये ग्राउंड चेक करो, ग्राउंड है बहुत बड़ा। बस अब एक कहता थिएटर वाली जगह, वहाँ भी देखेंगे, जाने की कोशिश करेंगे अगर होता तो। पर एक ये जगह थी, अब उधर चढ़ के आए अभी, ठीक है। तो ये देखो अंदर ही क्या कमरा था, छोटा तो बन रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या इधर। ये देखो ये कमरा है छोटा सा, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का क्या है इसका यूज़, ठीक है। और तुम्हें और दिखाता हूँ, एक और कमरा इधर, वहाँ से ये बीच में दीवार डाल रखी है, उधर है किधर है कमरा, ये बिल्कुल छोटे छोटे कमरे बन रखे हैं, शायद ये होगा सा इससे लेटने लेटने की जगह आई थी यहाँ पे कोई, ठीक है। और यहाँ पे यार दीवारें तो शायद इसलिए टूट गई होंगी क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, तो भूकंप के चक्कर में तो सारी दीवारें तुम देख रहे हो टूटी हुई हैं, ये टूटी हुई है इसलिए टूटी होगी, बाकी हाँ जगह सही है। सो अब हम आ गए महल से बाहर, ठीक है, महल से बाहर आने पर देखो ये क्या हालत होगी शर्ट की मेरी, दिख रहा है हाथ देखो मेरे गंदे सारे हो गए हैं, हाथ शर्ट टी शर्ट मतलब। तो अभी यार वो थिएटर में जाना, तो बताया था मैंने थिएटर में क्या है, थिएटर की कहानी है, वहाँ पे बंदे सारे चल गए थे, ठीक है। तो अभी वो वहाँ कहते हैं कि रात में एक अंकल आंटी की आवाज़ आती है वहाँ पे चिल्लाने की वगैरह की, तो उधर जा रहे हैं, तुम्हें रास्ता देख लो उसका। तो जा रहे हैं अभी हम आगे, तुम ये जंगल चेक करो मेरे पीछे ना, क्या जंगल बन रखा, ठीक है। यहीं कहते हैं बैक साइड पर इसका चिड़ियाघर भी है, आगे चल के दिखाते हैं आपको कि क्या है अंदर क्या नहीं। अभी तो थिएटर तक जाना है और लोगों ने बहुत लोगों ने बोला है कि भाई कुछ है अंदर जाने नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, तो इसलिए ये तुम चेक करो पेड़ पे कैसे कपड़े टंग रखे हैं, ये देखो तुम भाई साहब, बहुत बहुत खतरनाक है ये तो यहाँ पे आना, तो इसलिए आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल यार भाई को कमेंट कर देना तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हारा भाई घुमा के लाएगा, घर बैठेगी घूमेगी दिल्ली, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बोला है कि गार्ड हैं, गार्ड जाने नहीं देंगे शायद, आगे गार्ड हैं तो ठीक है। हाँ वो बैरीगेड से लग रखा है, अगर तुम्हें यहाँ से दिख रहा है आगे जाके दिखाता हूँ मैं, तो कह रहे हैं गार्ड के ऐसे जाने नहीं देंगे, तो चलते हैं और दिखाता हूँ तुम्हें। तो जैसा कि हमें गार्ड हमें रोक रहे थे, आगे तक हम जा तो रहे हैं, तो ये थिएटर है तुम्हें जैसे देख रहे हो, इस थिएटर में पूरा जल गया था, अभी शक्ल भी तुम्हें दिख रही है जली हुई इसकी, ठीक है। और वो हमें गार्ड हम आ रहे थे, हमें रोक रहे थे, हम आगे आगे आएंगे, दिख रहे होंगे तुम्हें आते हुए, ये थिएटर इसकी ये कहानी है चलाने बिलाने की, ठीक है। तो पूछते हैं अभी गार्ड से भी, वैसे बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या है यहाँ का क्या सीन नहीं, तो आओ आगे तो रास्ता भी नहीं है, आओ दिखाते हैं चलो। आप गेट के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, अगर सवेरे आते हैं रोटी बाटी तो बोला यहाँ अंदर जा नहीं सकते थिएटर में, सो जैसे कि तुमने पिछले क्लिप में देखा कि उस गार्डों ने मना कर दिया, हम आगे निकल गए थे तब भी वो बोल रहे थे हमें, ठीक है, और बिल्कुल बंद कर रखा है यहाँ, कोई जाने की जगह नहीं है थिएटर में, लोगों ने ऐसा बोला है वैसा, ठीक है, कुछ नहीं है, लोग वो कह रहे हैं ऑफिस है यहाँ पे, अब किसको हमें क्या पता, भगवान जाने, तो ठीक है। अभी तुमने देखा जैसे कि वहाँ से आए हैं तो उधर उन्होंने यार मना कर जाने के लिए, और तुमने देखा था बिल्डिंग भी बिल्कुल काली पड़ी थी, शीशे टूटे हुए थे, सब कुछ था, और यहाँ पर उस पर जो आग लगी थी उसकी कहानी ये थी कि सब लोग जो अंदर देख रहे थे मूवी वगैरह वो सब मर गए थे, ठीक है। तो अभी भी आवाज आती है और उसमें मशीनें भी पड़ी हुई हैं जो हाथ से चल रही वो पुराने टाइम में होती थी वो। और हाँ तुम अगर सोचो भूली बेटा जाने की, तो यार उसमें ऐसा कोई देखने की जगह नहीं है, लोग फोटोशूट भी लाते हैं, अगर हाँ तुमने आना है तो आना, इधर ऐसे कोई जगह नहीं है देखने के लिए, अंदर घुसोगे पहले तो ताले लगे हुए हैं बड़ी मुश्किल से, तुम घुसोगे लोग घुस रहे थे अब भी घुस रहे, इसलिए तो ऐसे इतना मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है। और हाँ इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा रात का, जिसमें हम आएंगे 10 बजे के बाद, हम एक बार रात में आएंगे और तुम्हें दिखाएंगे, जैसे भी मलचा महल का आएगा इससे नेक्स्ट में आएगा रात का, और इसका भी उसके बाद ही आएगा, तो इसीलिए एक बार सब्सक्राइब करके जाना, इसकी तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट ब्लॉग जो हम डालेंगे, तो ठीक है, ओके बाय गाइस, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल।